तो आज मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। देखो फोन पे एप्लीकेशन को अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो फोन पे एप्लीकेशन से आप 1,000 से लेकर 5,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर की, जैसे आपका सिविल होगा वैसे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको जो लोन अप्लाई करने वाला हूँ उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। अगर आपको किसी वजह से फोन पे एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता तो आगे चल के मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता दूंगा जहां से आप 1,00,000 रुपए का लोन घर बैठे आसानी से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन यहाँ पे कर दे, बाद आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं होम पे आ गया हूँ, आपको भी जल्दी से होम पे आ जाना। जैसे ही आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या, आपको सबसे पहले करना क्या, आपको सबसे पहले सेकंड वाले सेक्शन पे आ जाना है। और जैसे आप सेकंड वाले सेक्शन पे आएंगे आपको लोन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा होम लोन का, अगर आपको होम लोन चाहिए तो होम लोन ले सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे बाइक लोन चाहिए तो बाइक लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई भी पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको उसको ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो क्रेडिट स्कोर है आपको इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना सबसे पहले आपको अपने सिविल स्कोर को यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे अपने सिविल स्कोर को चेक करेंगे आपको दोबारा से बैक वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। तो उसके बाद आपको करना क्या, लोन रिपेमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे बता दूंगा, देखो फोन पे एप्लीकेशन की तरफ से मुझे यहाँ पे लोन नहीं मिला। अभी मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपको घर बैठे 1,000 से लेकर 1,00,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे 10,000 से लेकर पूरे 45,000 रुपये का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था आप इस एप्लीकेशन पे 5,00,000 रुपए तक का आप यहां पे लोन घर बैठे आसानी से आप यहां पे लोन ले सकते हैं। अब आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का नाम कौन सा, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट यहां पे देखना है। तो यहां पे देख सकते हैं आप इसको 10,000 से लेकर पूरे 45,000 रुपए का आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप 10,000 रुपये के लोन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 10,000 रुपये के लोन को अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 महीने के लिए आप इसको ले सकते हैं, 6 महीने के लिए भी आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप इसको 9 महीने के लिए अप्लाई करते हैं 1,284 रुपये आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी, तो 1,284 रुपये आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। अगर आप इसको 6 महीने के लिए अप्लाई करते हैं 1,846 रुपये आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। देखो आप इसको 10,000 से लेकर पूरे 45,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो अगर आप इसको 10,000 रुपये के लोन को अप्लाई करते हैं 9 महीने के लिए तो 1,284 रुपये आपकी EMI है। आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 826 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको कम भी कर लो ज़्यादा भी आप इसको यहाँ पे कर लो। देखो जितनी भी आप यहाँ पे नीड है ना लोन की, जैसे आपको 5,000, 10,000, 15,000, तो जितनी भी आपको जरूरत है उतना लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 25,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर मैं 25,000 रुपये के लोन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद अगर मैं इसको 9 महीने के लिए अप्लाई करता हूँ 3,211 रुपये मेरी EMI यहाँ पे बन जाएगी, और आपको 6 महीने के लिए अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे मेरी 4,615 रुपये मेरी EMI यहाँ पे बन जाएगी। देखो अगर आपको किसी प्रकार से फोन पे एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं आपकी लोन अप्लाई करने में काफ़ी यहाँ पे हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको 9 महीने के लिए अप्लाई करूँगा मेरी प्रोसेसिंग फीस बन के आएगी 2,065 रुपये, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन भी एक RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, आपको घर बैठे यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगी, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे देना है एक पैन कार्ड, एक आपको यहाँ पे देना है आधार कार्ड। अब आपको 25,000 रुपए के लोन अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको कंफर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जानकारी यहाँ पे डाल देनी है। बेसिक जानकारी में आपको क्या डालना है, सबसे पहले मेटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आप तो मैरिड है तो मैरिड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पे डाल देना है, नीचे आने के बाद आपको मदर नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ओवन को सिलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पे किराए के घर में रहते हैं तो आपको यहाँ पे ओवन वाले क्लिक करना है, अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट वाले क्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आप करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको पर्पस वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको मैरिज पे क्लिक करना है, नहीं होती तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगले पेज पे आ जाना है, तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस नेम, देखो आप जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो नाम यहाँ पे डाल देना है, रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है आपको एड्रेस को फिल करना है, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आप जो भी काम करते हैं आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको देनी है एक सेल्फी, अब आपको जो सेल्फी देनी है एकदम क्लियर सेल्फी आपको यहाँ पे दे देनी है। सेल्फी देने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट टू डॉक्यूमेंट का, आपको
सबमिट टू डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक अकाउंट, देखो जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस चाहिए उस बैंक अकाउंट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल दिया। नीचे आने के बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे आना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको FSC कोड यहाँ पे डाल देना है। देखो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। सारे इन्फॉर्मेशन जैसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे ये जो लोन है ना 5 से 10 मिनट के अंदर सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई वाला, आपको वेरीफाई वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने 25000 रुपए के लोन को यहाँ पे अप्लाई किया था वो मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25000 रुपए का मेरे यहाँ पे लोन है। मेरा जो सिबिल स्कोर दिखा रहा है 736। आपको सबसे पहले 25000 रुपए वाले लोन पे यहाँ पे टच कर देना तो यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25000 रुपए का मेरे यहाँ पे लोन है। मेरी जो EMI बन के आई है 3211 रुपए मेरी EMI यहाँ पे बन चुकी है। हर 5 तारीख को मेरी जो EMI मेरे बैंक खाते से ऑटो डेबिट यहाँ पे हो जाएगी। देखो अगर आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिलता है तो आपको अपने बैंक खाते को मेंटेन यहाँ पे करके रखना है। अगर आप अपने बैंक खाते को मेंटेन करके नहीं रखेंगे ना, अगर आपकी ऑटोमेटिक EMI यहाँ पे कटेगी, अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे आपको चेक बाउंस का चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो आपको नीचे आएंगे व्यू EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप व्यू EMI पे क्लिक करके अपनी EMI को चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे आपको डाउनलोड लोन स्टेटमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। अपने हिसाब से आपको सारा कुछ मैंने यहाँ पे करके बता दिया। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देना, सिर्फ आपको एक आधार कार्ड देना है, एक आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना है। इंस्टेंट आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है, की रेटिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था काफी कमाल की एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं 4.8 की इसकी रेटिंग है और 5 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, पॉपुलर एप्लीकेशन है, 4.8 की इसकी यहाँ पे रेटिंग है। तो सबसे पहले आपको इसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। देखो अबाउट सेक्शन पे आएंगे ना तो यहाँ पे हमारे को अबाउट सेक्शन पे आना बहुत ही यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है 5000 से लेकर हम पूरे 10 लाख रुपए का हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग पे आपको हो सकता है कि 5000 रुपए का लोन मिले स्टार्टिंग पे, उसके बाद अगर रिपेमेंट करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपके लिमिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी और आपको ऊपर की तरह आ जाना। यहाँ पे आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके यहाँ पे काफी सारे लेंडर पार्टनर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 10 से 15 इसके लेंडर पार्टनर भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको और ऊपर आ जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेंडर पार्टनर की डिटेल आपको मिल जाएगी। नीचे आएंगे जो एप्लीकेशन है RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं मनीव्यू लोन इन्वेस्टमेंट। रेटिंग आप यहाँ पे मैंने आपको पहले से यहाँ पे दिखा दी, काफी अच्छी रेटिंग है, 4.8 की इसकी रेटिंग है, 5 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। अगर आपको पैसों की इंस्टेंट इमरजेंसी है तो आप इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फोन पे एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता तो आप मनीव्यू एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। वहां पे आपको 100% वहां पे लोन का अप्रूवल वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर कोई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।